नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50 Pro 5G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 Pro 5G में 6.31 इंच जबकि Redmi Note 11S में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो 50 Pro 5G में 2.89 इंच जबकि Redmi Note 11S में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 Pro 5G में 181 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11S में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 Pro 5G में सुपर AMOLED जबकि Redmi Note 11S में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 Pro 5G में 6.4 इंचेस जबकि Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 Pro 5G में 84.21% जबकि Redmi Note 11S में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 Pro 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11S में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 Pro 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11S की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 50 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 Pro 5G में Mali G68 MC4 जबकि Redmi Note 11S में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 Pro 5G में MediaTek Dimensity 920MT 6877T और Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 50 Pro 5G में नहीं है जबकि Redmi Note 11S में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 50 Pro 5G में Android V12 जबकि Redmi Note 11S में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 50 Pro 5G में 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11S की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 50 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Realme Narzo 55G है, तीसरा Vivo Y21T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T1 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।